नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही हैं, अच्छे हैं। मेरा ये वीडियो चैनल आप लोग देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप लोग मेरे चैनल को अगर दूसरों को भी शेयर करें और उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है जी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो, या आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है तो। हम लोग एक फ्री कुंडली, मैं अपना एक फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का प्रोसेस चला रहा था और अभी भी चला रहा हूँ उसको। तो अभी तक मैंने 15 जुलाई तक की कई सारी कुंडलियाँ रीड आउट कर दी हैं। 15 जुलाई तक मैंने कई सारी कुंडलियाँ रीड आउट करी हैं और आगे मैं 30 जुलाई तक मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम और अपने पसंद के दो सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो मैं नंबर दे रहा हूँ उसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका चार्ट मैं सिलेक्शन प्रोसेस में डाल दूंगा और आपके अगर कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो आपके दो सवालों के जवाब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो अपडेट पर दे दूंगा आफ्टर 30 जुलाई। कुछ कुंडलियाँ जो पुरानी हैं, जो लोग निरा जो जिन्होंने पहले भेजी और उनकी मैं कुंडली रीड आउट नहीं कर पा किया है या नहीं कर पाया हूँ, सिलेक्ट नहीं कर पाया करा है तो नहीं कर पाया उनकी रीडिंग, उनको रिक्वेस्ट करूँगा जी कि रिपीट लिख के 30 जुलाई लिख के भेज दीजिए। मैं आपकी रीड आउट आप कोशिश करूँगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से डाल दूँ और आपकी कुंडली फ्री ऑफ दो आपकी दो सवालों के जवाब यूट्यूब में फ्रीली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जवाब दे पाऊँ। कुछ कुंडलियाँ मैंने सिलेक्ट करी थी लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके सवाल जो हैं वो जो सवाल हैं कुंडली कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है, सिर्फ उन दो सवालों से ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है और मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था जी कि मैं सिर्फ इन दो सवालों के जवाब दूं और बाकी जो कुंडली एक्सप्रेस कर रही है या जो कहना चाहती है उसे मैं ना बोलूं, तो मैंने इसलिए वो रीडिंग नहीं करी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो जो लोग मैं समझता हूँ जी कि हर कोई पैसा दे के रीड आउट नहीं करा पाता है और मेरे चार्जेस 1100 रुपीज़ हैं तो थोड़ा सा कई हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है। हम लोग सभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं तो अमाउंट थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिनकी कुंडली जिन्होंने भेजी है और जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा जी कि आप मुझे अपना पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल दें। अभी प्रेजेंटली मैं एक 30% रिडक्शन में कुंडली रीडिंग करूँगा क्योंकि मुझे लगता है जी कि हर किसी को मैं 1100 रुपीज़ चार्ज करूँ तो वो नहीं कर पाते और मैं सही जवाब नहीं दे पाता उन लोगों को फुल फ्लेज, तो वो मुझे थोड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो दो दिन के लिए जो नेक्स्ट ट्यूसडे और वेनसडे आने वाला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज हो गया, आज 21 है तो आप पकड़े 23, 24, 25 और 26, मतलब 25 और 26 मंगल और बुध के दिन अगर आप लोग चाहें तो मैं 30% रिडक्शन पे पर्सनल कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करूँगा। आप लोग पहले रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अगर आप लोग मेरा स्लॉट खाली रहा तो मैं आप लोगों को उसमें बुक कर दूंगा। उन दो दिनों में आपका 30% डिडक्शन पे आप लोगों की कुंडली रीडिंग मैं प्रोवाइड करूँगा। चार्जेस अगर 30% से थोड़ा ज़्यादा ही डिडक्शन है तो 750 के आसपास मैं चार्ज ले रहा हूँ उसका, तो आप चाहें तो अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फ्री कुंडली रीडिंग के लिए डाला था लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्री कुंडली में नहीं हो पाएगा, वो सवाल नहीं दे पाऊँगा। वैसे भी मैंने कई कुंडलियाँ रीड करी है जिनको पर्सनली फिर मैंने उनको एडवाइस दिया है, तो बेटर ये रहेगा जी कि आप लोग भी अगर हो सके तो ये काम करें तो अच्छा रहेगा। बाकी ये आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ज़्यादा अच्छा मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम भी ले लिया आप लोगों का, कंटेंट ज़्यादा नहीं है इसमें। हम लोग आज मरकरी अगर जेमिनी असेंडेंट में हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो उसका क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो हम लोग उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कि मरकरी अगर
जेमिनी एसेंडेंट पे हो, तीसरा नंबर लिखा हो तो वो जेमिनी एसेंडेंट हो जाता है। अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, मरकरी का हाउस है, थर्ड हाउस है, जेमिनी मरकरी का ही लगन पड़ता है और मरकरी स्वयं अपने घर में बैठा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ऑपोजिट साइन पे देखें तो मरकरी यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं सेवन्थ हाउस पे, जो कि पब्लिक अफेयर्स, वाइफ, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। अगर मरकरी यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं और स्वयं के घर पे बैठे हैं और अच्छा बैठा हुआ है यहाँ पे मरकरी, कोई अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। स्पाउस बहुत समझदार और अच्छी मिलेंगी आपको, आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा करेगा। आप यहाँ पे बैठे हुए मरकरी के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छा उसका रिजल्ट ले पाएँ। मरकरी पर अगर कोई गलत प्लैनेट का इफेक्ट नहीं है या कंजंक्शन नहीं है, किसी को और प्लैनेट के साथ बैठा नहीं है, तो मरकरी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। पर्सनैलिटी आपकी इंटेलिजेंसी में होगी, मैथमेटिक्स आपकी काफ़ी अच्छी होगी, दिखने में आप काफ़ी यंग दिखेंगे, आपका आपकी आपकी बॉडी पर्सनैलिटी काफ़ी खूबसूरत होगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी आपका आपकी सोच काफ़ी तेज़ होगी, आप बहुत अच्छा आगे बढ़ने के काम कर सकते हैं। आपका बिजनेस आप चाहे तो कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप चाहे तो मैथमेटिक रिलेटेड काम कर सकते हैं, या आप चाहे तो मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, आपका अच्छा भला रहेगा। साइमल्टेनियसली मरकरी का सिक्स हाउस भी, जो चौथा नंबर लिखा है, चौथा घर है, वहाँ पे छः नंबर लिखा है, तो मरकरी का ही हाउस होता है छठा। वर्गो एसेंडेंट जो होते हैं वो भी मरकरी के होते हैं, तो मरकरी अगर चौथे नंबर का भी रूलर होके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो चौथे से दशम बनाता है, तो अपनी आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी अपनी मेहनत से, आप अपनी कम्युनिकेशन से आप अपना कन्वीनियंस बनाएंगे, आपको कन्वीनियंस अच्छा मिलेगा, आपकी मदर का अच्छा सपोर्ट रहेगा आपके साथ में, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हो क्या आपको गाड़ी घर जो भी आपको बनाना है आपको मिलेगा, आप अपनी मेहनत से बनाएंगे, आपके लिए वो मिलेगा, एज एन प्रिंस और एज ए प्रिंसेस आपको ट्रीट किया जाएगा, आपकी मदर के साइड से आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा और आपको बेनिफिटरी रहेगा, कन्वीनियंस में कमी नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस मरकरी कोई अफेक्टेड ना हो किसी नेगेटिव प्लैनेट से, या कंजंक्शन ना हो किसी नेगेटिव प्लैनेट का। अकेले मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कंबस्टेड हो तो थोड़ा आपको पत्थर पहनना पड़ेगा, थोड़ा उपाय करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मरकरी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है जेमिनी एसेंडेंट में। आपकी आपको घर मरकरी की दशा अंतरदशा में हमेशा आपको कन्वीनियंस मिलेगी, गाड़ी बनाना चाहे जो चाहे वो बना सकते हैं, वाइफ आपकी समझदार होंगी, वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन जैसे मैंने पहले भी बोला अच्छा रहेगा। गुरु भी यहाँ पे देखा जाए तो वाइफ का पब्लिक डीलिंग और जॉब के हैं, तो यहाँ पे अगर गुरु भी कहीं अच्छे हो जाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, सोने पे सुहागा है, बिजनेस भी कर सकते हैं आप, जॉब भी कर सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं, बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 10,000 बिजनेस से 10th अगर देखा जाए तो चौथ यहाँ पे मरकरी का ही घर है और सप्तम में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस हाउस के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए आपको बिजनेस में भी फायदा मिल सकता है। तो ये था मेरी रीडिंग, मरकरी अगर जेमिनी एसेंडेंट में हो तो क्या रिजल्ट देगा, अगर लगन जेमिनी हो तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।